अपन स्टार्ट करते हैं HTML फॉर्म। HTML फॉर्म अपन यूज किस परपज के लिए करेंगे? फॉर्म पे वर्क किया होगा ना HTML के अंदर आप लोगों ने? नहीं किया। बेसिकली अपन को क्या लगता है, अगर अपन फॉर्म वर्ड बोल रहे हैं तो फॉर्म वर्ड खुद में क्या रिप्रेजेंट करता है? एक फॉर्म। और फॉर्म बेसिकली किस लिए यूज किया जाता है? इनपुट लेने के लिए। किस लिए यूज करते हैं अपन? इनपुट लेने के लिए। तो अगर अपन को किसी वेब एप्लीकेशन में भी यूजर से कुछ इनपुट लेना होगा तो उस पर्पज के लिए अपन का क्या करेंगे, कैसे अपन इनपुट लेंगे वेब एप्लीकेशन के अंदर, उसके लिए अपन यूज करेंगे HTML फॉर्म। मीन्स किसी भी एप्लीकेशन के अंदर, चाहे वो वेब एप्लीकेशन हो, चाहे वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो या मोबाइल एप्लीकेशन हो, अगर अपन को यूजर से इनपुट लेना है तो इनपुट अपन कैसे लेंगे? अपन कहीं टर्मिनल में या कंसोल में थोड़ी यूजर से इनपुट लेंगे। यूजर को थोड़ी कंसोल पे कमांड लिखना पता है कि जैसे अपन ने सी का प्रोग्राम बनाया होगा तो इनपुट लिया होगा प्रोग्राम बनाने के बाद, एक्स की वैल्यू 10, वाई की वैल्यू 20 अपन एंटर करते रहेंगे। कहां पे एंटर अपन ने किया होगा? किसी कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर। बट क्या यूजर उन चीजों को जानता है? वहां भी वो इनपुट दे सकता है? नहीं दे सकता है। तो अपन को क्या करना होगा उसके लिए? मीन्स यूजर से जब कभी भी इनपुट अपन को लेना होगा तो अपन को एक लेआउट, एक स्ट्रक्चर उसको देना होगा जहां पे वो अपने डेटा को एंटर कर सके। किस डेटा को? जिस डेटा की अपन को या वेब एप्लीकेशन को रिक्वायरमेंट हो। अपन यूजर को फॉर्म देंगे, जैसे सपोज करो फेसबुक अपन यूज करते हैं, फेसबुक ने अपन को दिया एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म। रजिस्ट्रेशन फॉर्म फेसबुक ने क्यों दिया? क्योंकि उन बेसिक इंफॉर्मेशन की फेसबुक एप्लीकेशन को रिक्वायरमेंट थी। फेसबुक एप्लीकेशन को आपकी उन बेसिक इंफॉर्मेशन की, आपके नेम की, आपकी मेल की, आपके कॉन्टैक्ट नंबर की, आपके जेंडर की क्या थी? रिक्वायरमेंट थी। क्योंकि उसी डेटा के अकॉर्डिंग ही उसने क्या डेवलप किया होगा? आपका प्रोफाइल पेज, आपका टाइमलाइन पेज। अगर वो डेटा आप नया एंटर करते तो आपके प्रोफाइल के नेम प्लेस पे क्या दिखता? अपनी मर्जी से तो फेसबुक कुछ दिखा नहीं सकता था। तो वेब एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपन को यूजर से अगर कुछ XYZ इनपुट लेना है तो अपन वेब एप्लीकेशन के अंदर उस फॉर्म को डेवलप करने के लिए, यूजर से इनपुट लेने के लिए अपन क्या यूज करेंगे? HTML फॉर्म। अब HTML फॉर्म कहां पे क्रिएट करना है ये डिपेंड करेगा किस पे? वेब एप्लीकेशन के लेआउट पे। अपन ने कोई एक ऐसा ही लेआउट क्रिएट कर लिया, जैसे फेसबुक का सपोज करो लेआउट था, फेसबुक ने लोगो यहां पे लिया, देन राइट कॉर्नर पे उन्होंने एक लॉगिन फॉर्म दे दिया अपन को, यहाँ पे उन्होंने कुछ टैग लाइंस दी और यहाँ पे उन्होंने क्या डेवलप कर दिया? एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म, साइन अप फॉर्म। तो ये प्लेस उन्होंने डिसाइड किया। ऐसे ही जब अपन वेब एप्लीकेशन डेवलप करेंगे तो अपन भी उस XYZ प्लेस को डिसाइड करेंगे। लेआउट अपन पहले प्लान करेंगे जो अपन किससे डेवलप कर चुके होंगे, HTML टेबल को यूज करके। मीन्स ये प्लेसेस अपन ने पहले ही बना रखा होगा। अब जिस प्लेस पे अपन को फॉर्म डिस्प्ले करना है उस प्लेस पे अपन फॉर्म से रिलेटेड क्या कर देंगे? कोड कर देंगे। जैसे अपन ने एक टेबल बना रखी है जिसके अंदर 4 कॉलम्स ले रखे हैं अपन ने। अब अगर इस प्लेस पे मुझे एक फॉर्म डिस्प्ले करना है तो इस टेबल के सेकेंड रो के सेकेंड कॉलम में जाके मैं क्या करूंगा? फॉर्म कोड कर दूंगा। तो फॉर्म कहां पे डिस्प्ले होने लगेगा? इस प्लेस पे। क्लियर? अब HTML टेबल के अंदर अपन फॉर्म बनाते कैसे हैं या बेसिकली क्या क्या इनपुट फील्ड्स अपन ले सकते हैं यूजर से, अपन इसी पे डिस्कशन करते हैं अपना। जैसे अपन ने HTML टेबल डेवलप किया जस्ट लेआउट क्रिएट करने के पर्पज से, ऐसी HTML टेबल अपन किस परपज के लिए यूज करेंगे? यूजर से इनपुट लेने के लिए। अगर यूजर से कोई डेटा अपन को एंटर कराना है, क्योंकि ब्राउजर पे तो डेटा नहीं एंटर कर सकता ना,
उसको अपन को कोई एक स्पेसिफिक प्लेस देना होगा जहां पे वो डेटा अपना एंटर कर सके, और वो पर्पज अपन सॉल्व करेंगे किसको यूज करके, HTML टेबल को यूज करके। मीन्स अपन कोई भी एक पेज लेते हैं, पेज का नेम सपोज करो अपन दे देते हैं form.html। किसी डिफरेंट वर्जन में हुआ करता था पहले, अब नहीं यूज कर सकते हो। बिल्कुल, अब आपको जो भी वर्जन यूज करना है 5.4 सब में आपको एक्सटेंशन क्या यूज करना है .html। नहीं, पहले यूज होता था 3.4 के टाइम पे, 3 HTML 3 में अपन यूज करते थे किसको, HTML एक्सटेंशन को, बट अपन को हर एक वर्जन में किसको यूज करना है .html को। तो अपन ने पेज का नेम अभी क्या दिया, मीन्स अपन ने एक HTML डॉक्यूमेंट ले रहे हैं। इस HTML डॉक्यूमेंट के अंदर अपन को डेवलप क्या करना है, एक फॉर्म। तो अभी अपन के पास कोई स्पेसिफिक प्लेस है नहीं, कोई ना रो है ना कॉलम है, तो अपन डायरेक्ट जाके कोड कहाँ पे करते हैं, बॉडी टैग के अंदर, क्योंकि फॉर्म अभी अपन को कहाँ पे डिस्प्ले करना है, ब्राउजर के बॉडी पार्ट में। तो अपन HTML का बेसिक लेआउट लेते हैं, डॉक टाइप टैग, हेड टैग, बॉडी टैग, और बॉडी टैग के अंदर अपन किसका कोड कर रहे हैं, फॉर्म का। अपन को किसी कॉलम के अंदर करेंगे तो फॉर्म का कोड अपन कहाँ पे करना स्टार्ट कर देंगे, उस कॉलम के अंदर। तो अब मैं बेसिक लेआउट नहीं क्रिएट कर रहा हूं, मीन्स बेसिक टेम्पलेट अपन नहीं बना रहे हैं, मैं जो भी कोड कर रहा हूं दैट मीन्स मैं अपन कहां पे कर रहे हैं, बॉडी टैग के अंदर। अब अगर अपन को ब्राउजर के बॉडी पार्ट में या किसी भी प्लेस पे फॉर्म को डिस्प्ले करना है, तो पहले फॉर्म को अपन को क्या करना होगा, स्टार्ट करना होगा। जैसे अपन को टेबल क्रिएट करनी थी तो अपन ने टेबल पहले स्टार्ट किया, देन टेबल को अपन ने क्लोज किया। तो सेम ऐसे ही अगर अपन को फॉर्म डेवलप करना है तो इसके लिए अपन फॉर्म टैग स्टार्ट करेंगे एंड फॉर्म टैग को अपन क्लोज करेंगे। फॉर्म टैग स्टार्ट किया, क्लोज किया, जैसे ही ब्राउजर इसको इंटरप्रेट करेगा उसको क्या पता चलेगा कि यहां से HTML फॉर्म स्टार्ट हो रहा है और यहां पे HTML फॉर्म फिनिश हो रहा है, एंड हो रहा है। मींस इस फॉर्म से रिलेटेड जो भी टास्क अपन को करना है अब वो इस फॉर्म पेयर के अंदर अपन को करना है। क्लियर? अब फॉर्म अपन ने स्टार्ट किया, फॉर्म को अपन ने क्लोज किया। जैसे अपन ने डिस्कस किया कि हर एक टैग की कुछ डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज होती हैं और कुछ अपन कस्टमाइज भी कर सकते हैं, तो इस फॉर्म की भी कोई डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज होंगी या इस पे भी अपन कुछ कस्टमाइज वर्क करते होंगे, इसके भी कुछ एट्रीब्यूट्स होते होंगे। तो फॉर्म के अंदर एट्रीब्यूट्स अपन क्या यूज कर सकते हैं, फॉर्म के एट्रीब्यूट्स को अपन कहां पे दे सकते हैं, इस फॉर्म पेयर के अंदर, यहां पे। क्लियर? अब यहां पे क्या क्या एट्रीब्यूट्स अपन दे सकते हैं वो मैं नीचे मेंशन कर रहा हूं। अपन फॉर्म टैग के अंदर सबसे फर्स्ट, जब भी अपन फॉर्म को डेवलप करेंगे, सबसे फर्स्ट एट्रीब्यूट इसके अंदर अपन क्या यूज कर सकते हैं, नेम एट्रीब्यूट। इक्वल साइन के बाद अपन क्या देंगे, वैल्यू। इक्वल साइन के बाद अपन क्या देंगे, वैल्यू। नेम की वैल्यू क्या हो सकती है, आपके नेम की वैल्यू क्या हो सकती है, कुछ भी। मीन्स मैं अपने अकॉर्डिंग कुछ भी दे सकता हूं। मुझे इस फॉर्म का कि नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू देनी है x, मैं वैल्यू x दे दूंगा। मुझे 1 देनी है, मैं वैल्यू 1 दे दूंगा। नेक्स्ट एट्रीब्यूट अपन यूज करेंगे आईडी। इक्वल साइन के बाद अपन इसकी भी क्या देंगे, वैल्यू। नेक्स्ट एट्रीब्यूट अपन इसमें क्या यूज कर सकते हैं, मेथड एट्रीब्यूट। और इसकी वैल्यू अपन दे सकते हैं गेट, या फिर अपन दे सकते हैं मेथड की वैल्यू पोस्ट। डिस्कस कर रहे हैं अभी अपन इसको, अभी सिर्फ अपन क्या क्या एट्रीब्यूट्स दे सकते हैं बेसिकली
अपन उसको लिस्ट करते हैं पहले, देन अपन उसमें एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं नेक्स्ट क्या एक्शन। एक्शन एट्रीब्यूट की भी कुछ अपन एक्स वाई जेड वैल्यू देंगे। नेक्स्ट एट्रीब्यूट अपन यूज कर सकते हैं इस पे क्लास एट्रीब्यूट। नेक्स्ट एट्रीब्यूट अपन इस पे यूज कर सकते हैं स्टाइल एट्रीब्यूट। और भी बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं जिनको अपन यूज कर सकते हैं, बट बेसिकली ये वो एट्रीब्यूट्स हैं जो अपन को हमेशा यूज करने होते हैं, तो अपन उन्हीं को डिस्कस कर रहे हैं। एंड अपन यूज कर सकते हैं ईएनसी टाइप। जिसमें से नेम, आईडी, क्लास और स्टाइल एट्रीब्यूट को अपन क्या बोलते हैं, ये कोर एट्रीब्यूट्स हैं। ये क्या है? कोर एट्रीब्यूट्स हैं। कोर एट्रीब्यूट्स का मीन क्या होता है? कोई भी ऐसे एट्रीब्यूट्स जो अपन बेसिकली एचटीएमएल के हर एक एलिमेंट पे अप्लाई कर सके। मींस इन एट्रीब्यूट्स को अपन किस पे अप्लाई कर सकते हैं? बेसिकली किसी भी टैग पे। मुझे टेबल पे अप्लाई करना, मैं टेबल पे अप्लाई कर सकता हूँ। किसको अप्लाई कर सकता हूँ? नेम, आईडी, स्टाइल और क्लास एट्रीब्यूट को। क्लियर? बाकी अदर जो एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे मेथड एट्रीब्यूट, एक्शन एट्रीब्यूट, इंक्रिप्शन टाइप एट्रीब्यूट, ये अपन सिर्फ कहाँ पे दे सकते हैं? फॉर्म के अंदर। इनको बोलते हैं कोर एट्रीब्यूट्स हैं ये। बेसिकली अपन हर एक HTML एलिमेंट पे इनको यूज कर सकते हैं। अपन नेम एट्रीब्यूट फॉर्म में किस पर्पज के लिए यूज करेंगे? किसको रिप्रेजेंट करेगा? फॉर्म के नेम को। मींस अगर अपन को HTML के किसी भी एलिमेंट का नेमिंग करना हो, अब चाहे वो टेबल एलिमेंट रहा हो या फिर फॉर्म एलिमेंट, अगर मुझे टेबल का नेमिंग का नेम नेम देना है तो अपन किस एट्रीब्यूट के थ्रू दे सकते हैं? नेम। और बेसिकली नेम यूज अपन क्यों करते हैं? नेम किसको रिप्रेजेंट करता है? आइडेंटिफिकेशन को। किसको रिप्रेजेंट करता है? आइडेंटिफिकेशन को। एक वेब पेज के अंदर बहुत सारे फॉर्म हो सकते हैं। एक वेब पेज के अंदर बहुत सारे फॉर्म हो सकते हैं। हो सकते हैं जैसे फेसबुक में ही है, एक लॉग इन फॉर्म है और दूसरा साइन अप फॉर्म है, उसी एक पेज के अंदर है। तो अब दोनों फॉर्म को आइडेंटिफाई करने के लिए अपन पहला स्टेप क्या कर सकते हैं कि अपन उनका कुछ डिफरेंट नेम सेट कर दें। कि लॉगिन फॉर्म का नेम अपन ने दे दिया एक्स, रजिस्ट्रेशन फॉर्म का नेम अपन ने दे दिया वाई। अब इस फॉर्म को अपन जानेंगे एक्स नेम से, इस फॉर्म को अपन जानेंगे वाई नेम से। बट नेम के केस में ऐसा तो नहीं होता है कि नेम डिफरेंट ही हो। आपका नेम, मेरा नेम, इनका नेम सेम हो सकता है। मींस नेम किसी की यूनिक आइडेंटिटी को नहीं रिप्रेजेंट करता है। नेम क्या किसी के यूनिक आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है? नहीं करता है। अब अगर अपन को HTML के अंदर किसी का यूनिक आइडेंटिफिकेशन करना हो तो उसके लिए अपन कौन सा कोर एट्रीब्यूट यूज करते हैं? आईडी। कौन सा कोर एट्रीब्यूट यूज करेंगे अपन? आईडी। नेम जस्ट नेमिंग पर्पज के लिए अपन यूज करेंगे। इसके केस में ऐसा कुछ नहीं है कि हमेशा यूनिक वैल्यू होनी चाहिए। पेज के अंदर 10 फॉर्म्स है, हर एक फॉर्म का नेम एक्स हो सकता है। पेज के अंदर 100 एलिमेंट्स है, हर एक एलिमेंट का नेम एक्स हो सकता है। ये कोई बाउंडेशन नहीं है, बट आईडी के केस में ऐसा है। एक पेज पे किसी एलिमेंट के अंदर अगर आपने आईडी एक्स सेट कर दिया तो लॉजिकली उस पर्टिकुलर पेज पे आप किसी दूसरे एलिमेंट की आईडी एक्स नहीं रख सकते हैं। आप कोड में कर दोगे तो अदर केस है, बट आप रूल्स को नहीं फॉलो कर रहे हैं। दैट मींस
जिस पर्पज के लिए अपन आईडी इनकेस जिस फ्यूचर पर्पज के लिए अपन आईडी को यूज कर रहे होंगे, वो पर्पज अपना सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि आईडी यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज होता है। तो हमेशा जो वैल्यू होगी उसकी वो यूनिक होगी एक पेज पे, दूसरे पेज पे आप फिर से वही आईडी रिपीट कर सकते हो, क्योंकि वो दूसरा पेज है वेब एप्लीकेशन का, वो दूसरा पेज है। बट इस पेज पे अभी अपन जिस करेंट पेज पे वर्क कर रहे हैं, इस पेज पे अगर किसी एलिमेंट की मीन्स अगर अपन ने टेबल एलिमेंट की आईडी एक्स रख दी, तो अब इस फॉर्म एलिमेंट की आईडी अपन एक्स नहीं रख सकते हैं। क्लियर? कोई डाउट इसमें? नहीं। नेक्स्ट अपन आते हैं मेथड एट्रीब्यूट। मेथड एट्रीब्यूट में अपन किस पर्पज के लिए यूज करेंगे? अपन एक फॉर्म पे वर्क कर रहे हैं, किस फॉर्म पे? HTML फॉर्म पे। फॉर्म में बेसिकली क्या करेगा यूजर? डेटा को एंटर करेगा एंड फाइनली इस डेटा को क्या करेगा? सबमिट करेगा। अपन फॉर्म के अंदर कुछ मल्टीपल इनपुट बॉक्स लेते हैं एंड देन फाइनली एक अपन क्या देते हैं यूजर को? बटन। कि लॉग इन कर रहा होगा तो बटन का नेम अपन लॉग इन दे देते हैं, रजिस्ट्रेशन कर रहा होगा तो बटन का नेम अपन साइन अप या रजिस्टर दे देते हैं, कमेंट कर रहा होगा तो कमेंट, पोस्ट कर रहा होगा तो पोस्ट। तो मींस अपन ये जो फॉर्म डेवलप कर रहे हैं, इस फॉर्म के अंदर भी अपन कुछ इनपुट फील्ड्स लेंगे और देन फाइनली इस डेटा को वेब एप्लीकेशन तक पहुंचाने के लिए अपन क्या देंगे? एक सबमिट का बटन, एक बटन को यहां पे अपन यूज करेंगे। यूजर डेटा को एंटर करेगा और इस ऑप्शन पे डेटा को क्लिक करेगा। जब इस डेटा इस बटन पे यूजर क्लिक करेगा तो एक्शन क्या परफॉर्म होगा? मींस क्लाइंट जैसे ही इस ऑप्शन पे क्लिक करेगा, क्लाइंट एंड से सर्वर एंड पे क्या सेंड होगा? रिक्वेस्ट। क्लाइंट एंड से सर्वर एंड पे क्या सेंड होगा? रिक्वेस्ट सेंड होगा। अब क्लाइंट एंड से सर्वर एंड पे अगर रिक्वेस्ट सेंड हो रहा है तो रिक्वेस्ट सेंड होने के टू मेथड्स हो सकते हैं। सर्वर पे हमेशा दो तरीके से रिक्वेस्ट भेजी जा सकती है, या तो रिक्वेस्ट गेट मेथड के थ्रू भेजी जा सकती है या फिर रिक्वेस्ट पोस्ट मेथड के थ्रू भेजी जा सकती है। क्लियर? मींस रिक्वेस्ट सेंड करने के बे को रिप्रेजेंट कौन करता है? मेथड एट्रीब्यूट। अगर अपन ने फॉर्म बनाया, इस फॉर्म के अंदर मेथड अपन ने गेट दे दिया, दैट मींस जब भी ये फॉर्म सबमिट किया जाएगा तो क्लाइंट एंड से सर्वर एंड पर रिक्वेस्ट किस मेथड से सेंड होगा? गेट मेथड से। अगर अपन ने इस फॉर्म का मेथड पोस्ट रखा तो यूजर जब भी इस फॉर्म को सबमिट करेगा तो क्लाइंट एंड से सर्वर एंड पर रिक्वेस्ट किस मेथड से सेंड होगा? पोस्ट मेथड से। क्लियर? अब गेट या पोस्ट में डिफरेंस क्या होता है? किस केस में अपन यूज करेंगे गेट को, किस केस में अपन यूज करेंगे पोस्ट को? अगर अपन को सर्वर पे कोई नॉन सिक्योर डेटा या फिर लिमिटेड डेटा रिक्वेस्ट में सेंड करना हो तो उसके लिए अपन क्या यूज करेंगे? क्या यूज करेंगे अपन उसके लिए? गेट मेथड। बट अगर सर्वर पे अपन को रिक्वेस्ट सेंड करना है, ज्यादा डेटा सेंड करना है रिक्वेस्ट में, या फिर सिक्योर डेटा सेंड करना है रिक्वेस्ट में, तो उस केस में अपन फॉर्म का मेथड क्या रखेंगे कोड करते समय? पोस्ट। गेट नॉन सिक्योर्ड रिक्वेस्ट को रिप्रेजेंट करता है, पोस्ट सिक्योर्ड रिक्वेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। प्लस गेट मेथड के साथ अपन लिमिटेड डेटा सर्वर पे रिक्वेस्ट में सेंड कर सकते हैं और पोस्ट मेथड के साथ अपन अनलिमिटेड डेटा रिक्वेस्ट में सेंड कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट गेट मेथड के साथ अपन कितना डेटा सेंड कर सकते हैं? ओनली 2 KB। अगर फॉर्म का मेथड अपन ने रखा है गेट, उस फॉर्म में ओवरऑल जो डेटा एंटर होगा वो 2 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज रिक्वेस्ट सर्वर पे सेंड होगी बट सर्वर उस वैल्यू को रिसीव नहीं कर पाएगा। क्लियर? पोस्ट मेथड की डिफॉल्ट लिमिट कितनी होती है? 8 MB, बट पोस्ट मेथड की लिमिट को इंक्रीज किया जा सकता है। अगर मुझे फॉर्म से 1000 MB का डेटा सेंड करना है तो मैं उसको इंक्रीज कर सकता हूँ, वो बात का कि इसे कैसे अपन करते होंगे। इसीलिए पोस्ट को के साथ अपन अनलिमिटेड रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं बट गेट के साथ अपन लिमिटेड रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। क्लियर?
नेक्स्ट एट्रीब्यूट अपन क्या यूज करेंगे? एक्शन। एक्शन एट्रीब्यूट अपन फॉर्म में किस पर्पज के लिए यूज करेंगे? यूजर सबने सबमिट ऑप्शन पे क्लिक किया तो फॉर्म के मेथड के अकॉर्डिंग सर्वर पे रिक्वेस्ट सेंड हुआ गेट या पोस्ट मेथड से। अब सर्वर के पास कोई न्यू रिक्वेस्ट सेंड हुई तो सर्वर इस रिक्वेस्ट का क्या जनरेट करेगा? रिस्पॉन्स। रिक्वेस्ट सेंड हुई दैट मीन सर्वर क्या जनरेट करेगा? रिस्पॉन्स। बट क्या रिस्पॉन्स जनरेट करना है ये सर्वर को थोड़ी पता है? नहीं। तो सर्वर रिस्पॉन्स जनरेट क्या करेगा वो डिपेंड किस पे करेगा? इस फॉर्म के एक्शन पे। मीन्स इस फॉर्म के एक्शन में अपन हमेशा सर्वर एंड का देंगे कोई एक्स वाई जेड पेज। यहां पे क्या देंगे अपन? सर्वर एंड का कोई पेज। जैसे सपोज करो अपन ने सर्वर एंड बैकएंड में एक पेज बना रखा है इंसर्ट डॉट पीएचपी। पेज अपन ने क्या क्रिएट कर रखा है? इंसर्ट डॉट पीएचपी। अब मैं चाहता हूं कि जब मेरा ये फॉर्म सबमिट हो तो सर्वर रिस्पॉन्स में क्या जनरेट करे? जो मैंने इसके अंदर लॉजिक्स या कोड अपन ने लिख रखा है ये कोड जो आउटपुट जनरेट करे सर्वर वही रिस्पॉन्स में सेंड कर दे। तो मैं इस फॉर्म के एक्शन में क्या सेट कर दूंगा? इस फाइल का पाथ अपन दे देंगे यहां पे इंसर्ट डॉट पीएचपी। तो अब जैसे ही इस फॉर्म को सबमिट किया जाएगा सर्वर पे गेट या पोस्ट मेथड से रिक्वेस्ट सेंड होगा और सर्वर इस रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स जनरेट करने के लिए किस पेज को कॉल करेगा? इंसर्ट डॉट पीएचपी पेज को। अब मैंने अगर कोड लिख रखा होगा इंसर्ट डॉट पीएचपी के अंदर एक्स तो सर्वर रिस्पॉन्स में अपन को क्या दे देगा? एक्स। क्लियर। नेक्स्ट एट्रीब्यूट अपन यूज करेंगे क्लास एट्रीब्यूट एंड स्टाइल एट्रीब्यूट। ये दोनों सीएसएस से रिलेटेड है तो जब अपन सीएसएस पर डिस्कशन करेंगे तब उस समय अपन इसको डिस्कस करेंगे व्हाट इज क्लास एट्रीब्यूट एंड स्टाइल एट्रीब्यूट। सीएसएस की किसी क्लास को कॉल करने के लिए अपन यूज करते हैं क्लास एट्रीब्यूट। इस फॉर्म पे सीएसएस की किसी क्लास का इफेक्ट डालना होगा तो अपन किसके थ्रू कॉल करेंगे उस क्लास को? क्लास एट्रीब्यूट के थ्रू। अपन को इनलाइन स्टाइलिंग करनी होगी इस फॉर्म की तो अपन उसके लिए यूज करते हैं स्टाइल एट्रीब्यूट। ठीक है, बट ये अपन बाद में भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट एट्रीब्यूट अपन यूज कर रहे हैं ईएनसी टाइप एट्रीब्यूट। ईएनसी टाइप एट्रीब्यूट अपन किस पर्पज के लिए यूज करेंगे फॉर्म के अंदर? जब अपन को रिक्वेस्ट टाइम पे डेटा का इंक्रिप्शन करना होगा, जैसे अभी फॉर्म सबमिट हुआ तो बाय डिफॉल्ट इंक्रिप्शन टाइप क्या रहेगा? फॉर्म सर्वर पे जो डेटा जा रहा होगा डेटा का टाइप क्या होगा? टेक्स्ट स्लैश प्लेन। कैसा टाइप होगा उसका? टेक्स्ट स्लैश प्लेन। अभी प्लेन डेटा सेंड हो रहा होगा बट मैं चाहता हूं ये डेटा बाइनरी पैटर्न में सर्वर पे सेंड हो। ज्यादा डेटा है मैं उसका इंक्रिप्शन करना चाह रहा हूं तो मैं उसके लिए क्या यूज करूंगा? ENC टाइप एट्रीब्यूट। और यहां पे वैल्यू अपन सेट कर देंगे टेक्स्ट स्लैश प्लेन में अगर इंक्रिप्शन करना है तो टेक्स्ट स्लैश प्लेन दे देंगे। अपन को बाइनरी इंक्रिप्शन करना है तो अपन वैल्यू यहां पे देंगे मल्टीपार्ट स्लैश फॉर्म डैश डेटा। वो डिपेंड करता है कि अपन कन्वर्जन करना कैसे चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग जो अवेलेबल वैल्यूज हैं अपन के पास उन अवेलेबल वैल्यूज में से कोई एक अपन यहां पे सेट कर सकते हैं। क्लियर, कोई डाउट इन एट्रीब्यूट्स में? नहीं। अब फॉर्म के अंदर अपन को क्या डेवलप करना है? यूजर इनपुट कर सके उसके लिए अपन को कुछ इनपुट बॉक्सेस क्रिएट करने हैं। क्या क्रिएट करना है अपन को? इनपुट बॉक्स। तो जितने डिफरेंट डिफरेंट इनपुट बॉक्स पॉसिबल हो सकते होंगे एचटीएमएल टेबल के अंदर अपन उन्हीं बॉक्सेस को हर एक बॉक्स को डिस्कस करते हैं। बाकी आप जो फॉर्म बनाओगे आपके फॉर्म में उस फील्ड के लिए क्या इनपुट बॉक्स होना चाहिए उस समय आप डिसाइड करना। अभी तो अपन क्या डिस्कस करते हैं? हर एक इनपुट बॉक्स को। क्लियर। तो सपोज करो अपन लेते हैं यहां पे अब एक, अब हमेशा अपन क्या करते हैं फॉर्म में कुछ ऐसे डिस्प्ले करते हैं। यहां पे अपन देते हैं जैसे नेम इनपुट अपन को लेना है तो अपन देते हैं नेम।
देन अपन देते हैं यहाँ पे इनपुट बॉक्स, ऐसे कुछ फॉर्म अपन देते हैं। अब ये तो आपका इनपुट बॉक्स हो गया, और ये क्या है फॉर्म का लेबल, ये क्या है आपका लेबल। तो लेबल जब भी फॉर्म में कोई लेबल अपन को देना होगा तो लेबल के लिए अपन कौन सा टैग यूज करते हैं, लेबल टैग। मींस इस फॉर्म के अंदर लेबल को अपन किस टैग के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे, लेबल टैग के अंदर। क्लियर? बट ये अपन प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे, अभी अपन के डिस्कशन का टॉपिक नहीं है लेबल टैग। मीन्स लेवल जब भी अपन को देना होगा तो लेवल को अपन हमेशा किस टैग के अंदर रखते हैं, लेवल टैग के अंदर। एंड देन अपन को अब इनपुट बॉक्स क्रिएट करना है HTML में। जब भी अपन को इनपुट बॉक्स क्रिएट करना होगा तो हमेशा अपन टैग कौन सा यूज करेंगे, इनपुट। इसके लिए अपन हमेशा टैग कौन सा यूज करेंगे, इनपुट टैग। चूंकि ये एक वाइड टैग है इसलिए इसको अपन क्लोज नहीं करते हैं। जैसे मेटा टैग एक वाइड टैग था, उसको अपन ने क्लोज नहीं किया रहा होगा। सेम ऐसे ही इनपुट का पेयर नहीं होता है, ये ऐसे ही क्लोज हो जाएगा। एंड में अपन स्लैश और एंगल ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। मींस यहां से ये इनपुट बॉक्स स्टार्ट हुआ एंड यहां पे इनपुट बॉक्स क्लोज हुआ। क्लियर? अब इस इनपुट बॉक्स के अंदर इस प्लेस पे अपन क्या दे सकते होंगे, इसके एट्रीब्यूट्स। इसके क्या अपन सेट कर सकते हैं यहां पे, एट्रीब्यूट्स। अभी अगर अपन सिर्फ इनपुट बॉक्स यूज करेंगे तो यहां पे एक जस्ट एक बॉक्स डिस्प्ले हो जाएगा। बट हमेशा जब भी अपन इनपुट बॉक्स यूज करेंगे तो इनपुट टैग पे एटलीस्ट एक रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट होता है, टाइप। कौन सा एट्रीब्यूट? टाइप। तो इनपुट बॉक्स पे अदर एट्रीब्यूट्स तो ऑप्शनल एट्रीब्यूट्स होंगे, जैसे फॉर्म पे सारे ये ऑप्शनल एट्रीब्यूट थे, बट मेथड और एक्शन ऑप्शनल एट्रीब्यूट नहीं है, अपन को देना ही होता है बेसिकली। तो ऐसे ही इनपुट बॉक्स के अंदर एटलीस्ट टाइप एक रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट होगा, बाकी डिपेंड करता है अपनी रिक्वायरमेंट पे कि अदर एट्रीब्यूट्स की मुझे रिक्वायरमेंट है तो अपन अप्लाई करेंगे, अदरवाइज अपन अप्लाई नहीं करेंगे। तो क्या क्या एट्रीब्यूट्स अपन यहाँ पे दे सकते हैं, मैं नीचे लिस्ट कर रहा हूं। यहाँ पे अपन एट्रीब्यूट दे सकते हैं टाइप। पहला एट्रीब्यूट अपन क्या यूज कर सकते हैं, टाइप। नेक्स्ट एट्रीब्यूट अपन क्या यूज कर सकते हैं, नेम। ये कोर एट्रीब्यूट से अपन दे सकते हैं इस पे भी। नेक्स्ट एट्रीब्यूट अपन क्या यूज कर सकते हैं, आईडी। नेक्स्ट एट्रीब्यूट अपन क्या यूज कर सकते हैं, क्लास। नेक्स्ट एट्रीब्यूट अपन क्या यूज कर सकते हैं, स्टाइल, साइज। मिन लेंथ, मैक्स लेंथ, प्लेस होल्डर, वैल्यू एट्रीब्यूट। ये हर एक इनपुट बॉक्स के बेसिक एट्रीब्यूट्स हैं जो अपन हर एक इनपुट बॉक्स पे यूज कर सकते हैं। क्लियर? अब जैसे सपोज करो अपन को यूजर से इनपुट लेना है, यूजर का नेम। मींस जब भी हमेशा ये टाइप
नेम एक कोर एट्रीब्यूट है, अपन HTML के किसी भी एलिमेंट पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर इस इनपुट बॉक्स में नेमिंग करना होगा अपन को, तो उसके लिए अपन क्या यूज करेंगे, नेम एट्रीब्यूट। फॉर्म के अंदर मल्टीपल इनपुट बॉक्स हो सकते हैं, मल्टीपल इनपुट बॉक्स का भी नेम सेम हो सकता है, बट अगर हर एक इनपुट बॉक्स की यूनिक आइडेंटिफिकेशन अपन को करनी होगी तो उसके लिए अपन कौन सा एट्रीब्यूट यूज करेंगे, आईडी एट्रीब्यूट। क्लियर। क्लास CSS क्लास को कॉल करने के लिए अपन यूज करेंगे, अपन डिस्कस करेंगे इसको CSS के टाइम पे। स्टाइल एट्रीब्यूट अपन इनलाइन स्टाइल सी अप्लाई करने के लिए यूज करेंगे। साइज एट्रीब्यूट अपन किस पर्पज के लिए यूज करेंगे इनपुट बॉक्स पे, इनपुट बॉक्स की साइज इंक्रीज करने के लिए। जैसे अभी अपन इनपुट टाइप टेक्स्ट अपन ने यूज किया, इनपुट टाइप पासवर्ड अपन ने यूज किया, एक डिफॉल्ट साइज होगी हर एक बॉक्स की, बट इस बॉक्स की साइज मुझे लगता है कुछ और इंक्रीज करनी चाहिए, तो मैं इस बॉक्स के अंदर साइज एट्रीब्यूट यूज करूंगा और पिक्सेल्स में इसकी क्या सेट करूंगा, वैल्यू। पिक्सेल्स में क्या सेट करेंगे अपन इसकी, वैल्यू। मुझे 100 पिक्सेल साइज का बॉक्स चाहिए, मैं वैल्यू साइज एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या सेट कर दूंगा, 100। नेक्स्ट अपन यूज करेंगे इनपुट बॉक्स के अंदर मिन लेंथ एंड मैक्स लेंथ एट्रीब्यूट। इनपुट बॉक्स के अंदर अपन को यूजर से इनपुट लेना है, अपन ने टेक्स्ट बॉक्स दे दिया, बट ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि यूजर इसके अंदर 500 कैरेक्टर 1000 कैरेक्टर एंटर कर सके। नेम फील्ड है, क्या नेम 500 कैरेक्टर का पॉसिबल हो सकता है, नहीं हो सकता है। एक डिफॉल्ट साइज होती होगी कि 30 कैरेक्टर का हो सकता होगा, 50 कैरेक्टर का हो सकता होगा, या 100 का हो सकता होगा, बहुत ज्यादा लेंथी नेम होगा किसी का। तो अगर अपन को इनपुट बॉक्स में यूजर जो एंटर करेगा उसकी मिनिमम और मैक्सिमम लेंथ को फिक्स करना है, तो अपन किसके थ्रू कर सकते हैं, मिन लेंथ एंड मैक्स लेंथ एट्रीब्यूट के थ्रू। नेक्स्ट अपन एट्रीब्यूट कौन सा यूज करेंगे, वैल्यू एट्रीब्यूट। एक तो है इनपुट बॉक्स में अपन को वैल्यू एंटर कराना है यूजर से, कि अपन यूजर से इनपुट ले रहे हैं, बट अगर किसी इनपुट बॉक्स की कोई एक डिफॉल्ट वैल्यू अपन को सेट करनी है, डिस्प्ले करानी है बॉक्स के अंदर, तो अपन किसके थ्रू कर सकते हैं, वैल्यू एट्रीब्यूट के थ्रू। अगर अपन ने एक लेबल लिया नेम, इनपुट टाइप टेक्स्ट लिया अपन ने, बट वैल्यू एट्रीब्यूट की वैल्यू अपन ने सेट कर दिया एक्सट्रीम, दैट मींस इस इनपुट बॉक्स में बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या भी डिस्प्ले हो रही होगी, एक्सट्रीम। क्लियर। नेक्स्ट बॉक्स अपन क्या क्रिएट कर सकते हैं HTML के अंदर, टेक्स्ट एरिया बॉक्स। कौन सा बॉक्स, टेक्स्ट एरिया बॉक्स। अपन ने बेसिकली इनपुट बॉक्स किस पर्पज के लिए यूज किया, जब अपन को यूजर से एक ही लाइन का डेटा एंटर कराना होगा तो अपन इनपुट बॉक्स यूज कर लेते हैं, बट मुझे मल्टीपल लाइन का डेटा इनपुट में लेना है। जैसे उससे मेल अपन ले रहे हैं, उससे अपन यूजर यूजर कोई इंक्वायरी कर रहा है, यूजर अपना एड्रेस एंटर कर रहा है, क्या एड्रेस जरूरी है कि एक ही लाइन का होता हो, नहीं, लिखा भी जाता बेसिकली मल्टीपल लाइंस में। मेल करना है कहीं पे यूजर को, या जीमेल में आप फॉर्म यूज करते हो मेल करते समय, तो मेल में जरूरी थोड़ी कि मेल एक लाइन में लिखी जाती हो, मल्टीपल लाइन का डेटा हो सकता है, तो दैट मीन्स उस केस में टेक्स्ट बॉक्स, पासवर्ड बॉक्स, रेडियो बटन, ये सब तो वर्क नहीं करेंगे वहां पे। तो जब अपन को ज्यादा डेटा यूजर से एंटर कराना होगा, अब केस कोई सा भी हो सकता है, एड्रेस लेना है तो लेवल एड्रेस दे देंगे, मेल कराना है तो लेवल अपन मेल दे देंगे, मैसेज दे देंगे, मैसेज बॉडी दे देंगे, इंक्वायरी कराना है लेवल अपन इंक्वायरी रख देंगे, बट उसके लिए बॉक्स क्या यूज करेंगे, हमेशा
टेक्स्ट एरिया बॉक्स, और टेक्स्ट एरिया बॉक्स अपन क्रिएट करने के लिए जैसे इनपुट बॉक्स क्रिएट करना था तो अपन ने इसके लिए टैग कौन सा यूज किया, इनपुट टैग। अपन को टेक्स्ट एरिया बॉक्स क्रिएट करना है, जैसे सपोज करो अपन को एंटर कराना था, यूजर से लेना था यूजर की इंक्वायरी, इसके लिए अपन ने कोड में दिया टेक्स्ट एरिया बॉक्स। इसके लिए अपन ने टेक्स्ट एरिया टैग स्टार्ट किया और टेक्स्ट एरिया टैग को अपन क्लोज भी करते हैं। इनपुट बॉक्स वाइड टैग था बट टेक्स्ट एरिया बॉक्स एक पेयर्ड टैग है, इसका पेयर होगा, स्टार्ट भी होगा और क्लोज भी होगा। जो एट्रीब्यूट्स अपन ने अप्लाई किए इनपुट बॉक्स पे, वो हर एक एट्रीब्यूट अपन अप्लाई कर सकते हैं कहां पे, टेक्स्ट एरिया बॉक्स पे भी, कि अगर इसकी इस टेक्स्ट एरिया बॉक्स की अपन को नेम सेट करनी होगी तो अपन इस पे नेम एट्रीब्यूट यूज करेंगे, आईडी सेट करनी होगी तो आईडी एट्रीब्यूट यूज करेंगे, प्लेस होल्डर इसका सेट करना होगा तो प्लेस होल्डर यूज करेंगे, क्लास सेट करनी होगी क्लास एट्रीब्यूट यूज करेंगे, आईडी सेट करनी होगी आईडी एट्रीब्यूट यूज करेंगे। बस इस पे वैल्यू एट्रीब्यूट अपन यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वैल्यू एट्रीब्यूट हमेशा अपन वाइड टैग पे यूज करते हैं, किस पे यूज करते हैं, वाइड टैग पे, जिसका पेयर ना हो। जिनके पास पेयर होता है उनकी वैल्यू हमेशा कहां पे दी जाती है, उनके ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में। टीडी में आपने डेटा कहां पे दिया था, टीडी पेयर के बीच में। तो अगर इसमें कोई वैल्यू इसकी डिफॉल्ट डिस्प्ले करनी होगी तो वो वैल्यू अपन देंगे कहां पे, इस पेयर के बीच में। एक तो यूजर एंटर करेगा बट मैं चाहता हूं कुछ डिफॉल्ट डेटा डिस्प्ले हो इसके अंदर, तो कहां पे देंगे अपन, बट टेक्स्ट एरिया बॉक्स पे अपन वैल्यू एट्रीब्यूट नहीं यूज करेंगे। क्लियर। इस पे दो न्यू एट्रीब्यूट अपन यूज कर सकते हैं, दो न्यू एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, रोज एंड कॉल्स। इस पे दो न्यू एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं टेक्स्ट एरिया बॉक्स पे, रोज एंड कॉल्स। जो अपन ने इनपुट बॉक्स के लिए डिस्कस किया उसमें से वैल्यू एट्रीब्यूट को छोड़ के बाकी सारे यूज कर सकते हैं अपन, सॉरी वैल्यू एंड टाइप एट्रीब्यूट को छोड़ के, क्योंकि इसका टाइप अपन को नहीं देना, टेक्स्ट एरिया टैग खुद में ही इसके टाइप को रिप्रेजेंट कर रहा है तो यहां पे टाइप नहीं देना है। टेक्स्ट एरिया से सिर्फ टेक्स्ट एरिया बॉक्स ही बन सकता है, कोई दूसरा नहीं, तो टाइप एट्रीब्यूट और वैल्यू एट्रीब्यूट अपन इस पे नहीं यूज करेंगे। रोज अपन किस पर्पज के लिए यूज करेंगे, अभी इसकी एक डिफॉल्ट साइज आएगी, मुझे हाइट इस बॉक्स की इंक्रीज करनी है, मैं चाहता हूं ये 10 डिफॉल्ट रो की हाइट के बराबर डिस्प्ले हो, तो मैं वैल्यू यहां पे दे दूंगा 10। विड्थ तो मुझे इंक्रीज करनी है तो मैं कॉल्स एट्रीब्यूट की वैल्यू दे दूंगा, जो भी रखनी होगी साइज के अकॉर्डिंग, 16 कॉलम के बराबर रखना है 16 रखेंगे, 60 कॉलम के बराबर रखना है 60 रखेंगे, वो डिपेंड करता है अपन पे, अपने लेआउट पे, अपने डिजाइनिंग के रिक्वायरमेंट पे। क्लियर। नेक्स्ट एट्रीब्यूट अपन यूज करते हैं, नेक्स्ट बॉक्स अपन डिफरेंट टाइप का जो यूज करेंगे फॉर्म के अंदर, वो अपन क्या यूज करते हैं, जिसको अपन बोलते हैं ड्रॉप डाउन बॉक्स। कौन सा बॉक्स, ड्रॉप डाउन बॉक्स। आपने बेसिकली फेसबुक में जब रजिस्ट्रेशन किया होगा तो उसमें जेंडर सेलेक्ट करने के लिए और डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के लिए आपको एक बॉक्स मिल रहा होगा। मींस जब अपन के पास मल्टीपल ऑप्शंस हो और उन मल्टीपल ऑप्शंस में से यूजर से कोई एक ऑप्शन अपन को चूज कराना हो, सेलेक्ट कराना हो, तो उसके लिए अपन हमेशा बॉक्स कौन सा यूज करते हैं, ड्रॉप डाउन बॉक्स या फिर सेलेक्ट बॉक्स, ड्रॉप डाउन बॉक्स या फिर सेलेक्ट बॉक्स। अब जैसे जेंडर को अपन को बटन को रेडियो बटन से नहीं टास्क करना था, मेरे पास दो ऑप्शन थे मेल या फीमेल, यूजर से कोई एक ऑप्शन चूज कराना है,
तो चाहे चाहूँ तो मैं रेडियो बटन यूज करूँ इसके लिए, या फिर चाहूँ तो या मैं इस टास्क को कर सकता हूँ किससे, सेलेक्ट बॉक्स से भी। अब सेलेक्ट बॉक्स अपन बनाते कैसे हैं, जैसे सपोज करो अपन को जेंडर लेना था, इसके लिए अपन सेलेक्ट टैग स्टार्ट करेंगे और सेलेक्ट टैग को अपन क्लोज करेंगे, तो इससे एक सेलेक्ट बॉक्स बन जाएगा। बट यूजर सेलेक्ट किसको करेगा, ऑप्शंस को, और क्या अपन ने अभी ऑप्शंस दिए कोई नहीं। अब ऑप्शंस प्रोवाइड करने के लिए सेलेक्ट बॉक्स के अंदर अपन यूज करते हैं ऑप्शन टैग, और यहां पे अपन देते हैं वैल्यू। वैल्यू जैसे अपन ने दे दिया यहां पे मेल। दूसरा ऑप्शन अपन ने लिया फीमेल, दूसरा ऑप्शन अपन ने क्या लिया फीमेल। अब इसको सेव करके रन करेंगे तो ऐसे ही एक बॉक्स डिस्प्ले होगा जिसमें बाय डिफॉल्ट फर्स्ट वैल्यू सेलेक्टेड होगी, मींस यहां पे अभी पहला ऑप्शन सेलेक्टेड होगा, मेल आ रहा होगा। जैसे ही अपन इस पे क्लिक करेंगे तो ऐसे ड्रॉप डाउन डिस्प्ले होता होगा जिसमें दोनों ऑप्शन डिस्प्ले होंगे, मेल फीमेल, जो चूज करेंगे वही यहाँ पे सेलेक्टेड हो जाएगा। क्लियर, कोई डाउट इसमें नहीं। ये है आपका HTML फॉर्म। बेसिकली इन्हीं बॉक्सेस को अपन यूज करते हैं किसके अंदर, फॉर्म के अंदर। इसे डिफरेंट अपन को कुछ नहीं करना होता है, सारा टास्क अपन इन्हीं बॉक्सेस से परफॉर्म कर लेते हैं। कोई क्वेरी अब इनसे रिलेटेड, इसमें जो चीजें ना समझ में आई हों।